हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर बीबीए ई क्लास। टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू लेसन द मालगुडी क्रिकेट क्लब। आज हम अपना एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, द मालगुडी क्रिकेट क्लब। मालगुडी नाम सुना मैंने, मालगुडी क्या? और एक आप देखेंगे ऑन इंटरनेट, आप देख सकते हैं ऑन यूट्यूब एंड समवेयर अदर इंटरनेट कि एक टीवी में एक सीरियल होता था मालगुडी। मालगुडी क्या है कि जो इसके राइटर हैं, इस लेसन के राइटर, कौन है इस लेसन के राइटर? आर के नारायण। उन्होंने एक बुक लिखी है काफ़ी समय पहले, और उसमें एक चीज़ ये, एक काफ़ी सारे उसमें कहानी एक दिया गया है। एक विलेज है, उसका नाम है मालगुडी, और उस विलेज में अलग अलग लोग रहते हैं। सभी के कैरेक्टर के ऊपर कुछ न कुछ कहानी की किताब बनाई गई। और ये मालगुडी कहाँ पर है? ये गांव है जो ब्रिटिश इंडिया, मतलब जब अंग्रेज लोग इंडिया में रहते थे ना, शासन करते थे, उस टाइम की ये कहानी है। इसको कहानी को स्टार्ट करने यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ एंथुसियास्टिक स्कूल बॉय इन द आइडियलिक लिटिल टाउन ऑफ मालगुडी इन ब्रिटिश इंडिया प्लान टू स्टार्ट देयर ओन क्रिकेट क्लब। क्या दिया गया कि कुछ स्कूल बॉय एंथुसियास्टिक, मतलब ऐसे स्कूल बॉय जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचा करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया एक क्रिकेट क्लब कि हमारा एक क्रिकेट क्लब होना चाहिए। क्रिकेट क्लब बनाने का उन्होंने डिसाइड, दे डिसाइड टू मेक अ क्रिकेट क्लब। उसके ऊपर ये बेस है कहानी। अब इसमें हमको क्या चीज़ देखने को मिलेगी? इसमें हमें कुछ कुछ आइडियोम्स मिलेंगे, मीन्स कहावत है ना। देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ मिलती जाती है, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए मीनिंग्स। आफ्टर मेकिंग हिज एग्जिट फ्रॉम अल्बर्ट मिशन स्कूल इन अ थिएट्रिकल मैनर ऑन द डे फॉलोइंग द स्ट्राइक, स्वामीनाथन बिकम सो कंसिस्टेंटली स्टबर्न दैट अ फ्यू डेज लेटर हिज फादर टुक हिम टू द बोर्ड स्कूल एंड एडमिटेड हिम देयर। अब यह एक स्वामीनाथन एक लड़का है, उसका नाम है स्वामीनाथन। वो किसी स्कूल में था, उस स्कूल का नाम था अल्बर्ट मिशन स्कूल। अल्बर्ट मिशन स्कूल से वो कोई कारण से, किसी कारण से यहाँ पे क्या दिया हो गया है कि थिएट्रिकल मैनर ऑन द डे फॉलोइंग द स्ट्राइक, कुछ घटना हुई, कुछ कारण हुआ, कुछ बात बनी, एक कुछ नाटकीय घटना, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ से वो स्कूल से निकला और उसके पापा ने उसको किसी दूसरे स्कूल में एडमिट करा लिया। एट द फर्स्ट स्वामीनाथन वॉज रेदर अनसर्टन ऑफ हैप्पीनेस इन द न्यू स्कूल। अब हम आपको भी मालूम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जब हम किसी नए स्कूल में जाते हैं, नई क्लास में जाते हैं, तो हम यहाँ पे नए नए रहते हैं, तो हमको क्लास में इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं, हमें किसी के बारे में, वी डोंट नो अबाउट एनीवन, हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं हम? चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं, सबको देख रहते हैं, वी आर लुकिंग ऑल अराउंड इन द क्लास रूम, हम क्लास रूम में सभी को देखते रहते हैं, उसमें से वी डिसाइड हु आर सिमिलर टू अस, हु आर फ्रेंडली टू अस। हम उसमें देखते हैं कि यार कौन हमारे जैसा है ना। हम उसमें से सभी को फ्रेंड, सभी क्लास में हमारे क्लासमेट होते हैं, सभी से हम बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों से, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, सभी नहीं बनते, उसमें से कुछ एक दो ऐसे बन जाते हैं जो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं हमारे। फ्रेंड तो सभी होते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो स्वामीनाथन भी जाता है क्लास में, देखता है, ऐसा बैठा रहता है, वो सभी को ऐसे देख रहा होता है। But he excited the curiosity that all newcomers do and found himself to his great
सेटिस्फेक्शन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन सेकंड सी. उसकी क्लास कौन सी थी? सेकंड सी. अब वो वहाँ बैठा हुआ है, सभी को देख रहा है, दूसरे बच्चे भी आए हैं, न्यू कॉमर्स आए, न्यू कॉमर्स जो जो क्लास में दूसरे बच्चे हैं वो उसको देख रहे हैं, हमें क्या रही है, हमारे बच्चे हमारी क्लास में नया स्टूडेंट कौन है, सब वो देख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उसको भी क्यूरियोसिटी है सारी बात जानने की, देखने की. ऑल हिज न्यू क्लासमेट्स रिमार्केबली न्यू फेसेस ऑफन क्लस्टर्ड अराउंड हिम टू सी हिम टू हियर हिम टॉक. अभी क्या होता है, क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड मीन्स हैव कम टूगेदर इन ए स्मॉल ग्रुप. सभी उसके आसपास आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उससे बात करना चाहते हैं, उससे उसको देखना चाहते हैं, वो उसकी कुछ बात सुनना चाहते हैं. देखते हैं ना कि नया बच्चा हमारी क्लास में आया है, नया स्टूडेंट हमारी क्लास में आया है, ये कौन है, कैसा है, सब उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है ना, जानने के लिए, बात करने के लिए. फिर क्या होता है, ही हैड नॉट येट पिक द फ्यू दैट ही वुड हैव लाइक टू कॉल हिज चम्स. चम्स, चम्स यहाँ पे किसको बोला है, हमारे बेस्ट फ्रेंड, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्यार से, हमारे फ्रेंडली लैंग्वेज में चम्स. तो वो उसको इतनी सारी जो क्लास में जो स्टूडेंट है ना, उनमें से सबको देख रहा था, क्या देख रहा था, कि मैं इसमें से किसको चम्स बुला सकता हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड बुला सकता हूँ जो मेरे जैसे हैं. वो डिसाइड कर रहा था, सभी को देख रहा था, बात सभी से कर रहा था, देख सभी से रहा था, लेकिन उसमें से इसको सिलेक्ट भी कर रहा था कि इसमें से कौन सा स्टूडेंट मेरे काम का है, कौन सा मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, कैसा है, कौन कैसा है. वो एकदम से नहीं किसी को भी अपना फ्रेंड बना. ही स्टिल ब्लू दैट हिज एल्बर्ट मिशन सेट वाज इंटैक्ट. इंटैक्ट मीन्स कंप्लीट एंड अनडैमेज्ड. वो ये देख रहा था कि अरे मैं इसमें से ऐसा कौन सा एक अपना ग्रुप बनाऊँ, अपना एक सेट तैयार करूँ, ऐसे कौन से फ्रेंड मेरे हो जो इंटैक्ट हो, मतलब जो मेरे साथ फ्रेंडली हो, है ना, जो मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए, जो मेरे लिए अनडैमेज रहें, है ना, और मेरे लिए सेफ रहें, मेरे लिए अच्छे रहें, जो मेरी बात को सुनेंगे, जो मेरी बात को सुन. वो सब डिसाइड कर रहा था, मन में से सोच रहा था कि कौन मेरे अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, कौन मेरे अच्छे फ्रेंड नहीं हो सकते हैं. फिर क्या होता है कि ही स्टिल ब्लू दैट हिज अल्बर्ट मिशन सेट वाज इंटैक्ट दो सिंस द रीओपनिंग इन जून द सेट वाज नॉट व्हाट इट हैड बीन बिफोर. ओनली राजम एंड मनी वेर स्टिल इंटैक्ट एज फार एज स्वामीनाथन वाज कंसर्न. उसको वहां पर दो लोग गए, कौन कौन, अराजम मन, ये दो लड़के दिखे जो उसको लगा के रहे ये दोनों जो हैं मेरी क्वालिटी के हैं, मैं इनको अपना दोस्त बना सकता हूँ. यू बिकम अ फ्रेंड इच अदर. स्वामीनाथन, मनी, राजम, तीन लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, है ना. फिर only Rajam and Mani were still intact as far as Swaminathan was concerned. Mani saw him every day. Mani उसको रोज देखता था, है ना, लेकिन बातें कम होती थी. But Rajam had not spoken to him since the day his political doing become known. अभी राजम जो था वो कुछ अलग टाइप का, उसको अच्छा लगता था लेकिन वो आगे से बातचीत नहीं करता था, वो अपनी बातें उसको बताता था कि मैं ऐसा हूँ. तो कोई स्टूडेंट होता ना वो अपनी क्वालिटी शो करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने फ्रेंड बनाते हैं, है ना. और मनी क्या करता था, मनी सिंपल का होता था. अब यहाँ पे दो तीन लड़के स्टूडेंट हो गए, मनी, राजम एंड स्वामीनाथन. फिर एंड नाउ दिस आफ्टरनून स्वामीनाथन वाज सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर ऑफ द हाउस ट्राइंग टू मेक कैमरा विद अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड स्पेक्टर लेंस. अभी क्या होता है कि जो स्वामीनाथन होता है ना, वो अपने घर पे बैठ के बनाते रहते हैं, क्राफ्ट बनाते रहते हैं.